हेलो एवरीवन, देखिए ये आपके एसएसटी का नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे क्या बताती हैं किताबें और कब्रें। यानि कि पहले के समय में जो हमारी बुक्स थी, और पहले के समय में हमारी बुक्स क्या थी, हमारी ग्रंथ थी, हमारी बुक्स थी। यानी कि जैसे कि आपके वेद हो गए, है ना, उपनिषद हो गए, तो हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे ताकि हमें एक्चुअल में डिटेल से पता चल सके कि किस तरह से वो लोग रहते थे, क्या वहाँ पे प्रशासन व्यवस्था थी, कैसे वहां पे काम किए जाते थे, और कब्रें यानी कि जब लोगों को दफनाते थे तो उन चीजों के बारे में हमें पता चलेगा कि वो अपने साथ जब दफनाते थे तो उनके साथ कौन कौन सी बाकी चीजों को दफनाया जाता था, किस तरह से दफनाते थे। जैसे हमने महापाषाण के बारे में पढ़ेंगे, महापाषाण यानी कि महा यानी कि बड़ा, पाषाण यानी कि पत्थर, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों की जो कब्रें हैं वो आपकी बनाई जाने लगी थी। कहीं पे कोई अगर कब्र मिली है तो वहां से क्या क्या उसके साथ अवशेष मिले हैं, तो हम इन सब चीजों को इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेद के बारे में कि जो वेद होते हैं वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या आपकी चार है। कौन कौन से? आपका ऋग्वेद हो गया, जिसे सबसे प्राचीन माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे प्राचीन, ठीक है। इसकी रचना लगभग कब मानी जाती है? 3500 साल पहले। तो सबसे प्राचीन आपका ऋग्वेद होता है। अगर मैं श्याम वेद की बात करूं तो म्यूजिक से रिलेटेड, म्यूजिक यानी कि संगीत से रिलेटेड, ये एक्स्ट्रा डिटेल है आपके पास। तो श्याम वेद यानी कि म्यूजिक यानी संगीत से रिलेटेड जो वेद है वो कौन सा होता है? आपका श्याम वेद होता है। इसी तरह आपका यजुर्वेद हो गया, तो जैसे आपके यज्ञ वगैरह है, ठीक है, जो यज्ञ है वो किसमें आएंगे? आपके यजुर्वेद के अंदर। जो पूजा पाठ हम करते हैं यजुर्वेद में आपका आ जाएगा। अगर हम अथर्ववेद की बात करते हैं तो जादू टोना या जो बुरी शक्तियां होती हैं, बुरी शक्तियां, तो ये सब आपके किस में आएंगी? आपके अथर्ववेद के अंदर आती हैं। तो ये आपके एक्स्ट्रा डिटेल है, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ऋग्वेद की जो रचना है वो लगभग 3500 साल पहले हुई है, जिसमें आपकी 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, और इन प्रार्थनाओं को बोला गया है सुक्त। क्या बोला गया है? इन प्रार्थनाओं को आपका सुक्त बोला गया है। अब सुक्त क्यों बोला गया है? तो सुक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। और जो सुक्त होते हैं ना, ये आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, ये आपके जो देवता हैं, देवताओं को प्रशंसा करने के लिए उनकी, ठीक है, प्रशंसा करने के लिए लिखे जाते थे, ये बोले जाते थे, जोर जोर से बोले जाते थे, ठीक है। तो जिसमें 1000 से आपकी जो प्रार्थनाएं होती हैं जिन्हें सुक्त बोलते हैं, और सुक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। और ये सुक्त क्या होते हैं? विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में, स्तुति यानी उनकी प्रशंसा में, उनके लिए, उनकी आराधना के अंदर ये रचे जाते थे सुक्त, याद रखेंगे। तो सुक्त क्या होते थे? आपकी 1000 से ज्यादा जो प्रार्थनाएं थी उन प्रार्थनाओं को ही बोलते थे सुक्त, याद रखेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें तीन देवताओं को प्रमुख बताया गया है। अब वो कौन कौन से देवता हैं? जैसे अग्नि देवता हो गए, क्या है ये? आग के देवता है। इंद्र देवता आपके युद्ध के देवता है। और सोम के बारे में अच्छे से आप याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सोम आपका एक पौधा है जिसको देवताओं के रूप में पूजा गया है, जिसे क्या बनता है, जिसे एक खास तरह का पेय बनाया जाता है, पेय यानी पीने की चीज, ठीक है, इसे एक खास तरह का पेय बनाया जाता है जिसको पिया जाता है। तो सोम क्या हो गया? सोम एक पौधा है। मेनली तीन देवताओं के बारे में बात की थी, अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता, याद रखेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने अभी बात की वैदिक प्रार्थनाओं के बारे में, तो वैदिक प्रार्थनाओं की जो रचना है वो मेनली ऋषियों के द्वारा ही की जाती थी। यानी किसने की थी? ऋषियों ने की थी। अधिकांश सूक्तों के जो रचयिता थे या सीखने सिखाने वाले थे वो आपके पुरुष थे, लेकिन कुछ रचनाएं ऐसी भी थी जो आपकी महिलाओं के द्वारा भी की गई थी। यानी मेनली आपके पुरुष ही होते थे जो सूक्त को रचना करते थे, यानी सूक्त की रचना करते थे, उन प्रार्थनाओं की रचना करते थे, लेकिन कुछ की रचना किसने की है? महिलाओं ने भी की है। और ऋग्वेद की आपकी जो भाषा है वो कौन सी है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृति कहलाती है आपकी ऋग्वेद की भाषा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक संस्कृत या प्राक संस्कृत जो भाषा है किसकी है? ऋग्वेद की है, ठीक है, आप याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे संस्कृत व अन्य भाषाओं के बारे में। तो अगर पूछा जाए आपसे कि जो संस्कृत भाषा है वो किसका हिस्सा है, तो वह भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है भाई, भारोपीय। अब भारोपीय कैसे बना है? भारत प्लस यूरोपीय, यानी कि भारत प्लस यूरोप, इन दोनों को मिला के बना है आपका भारोपीय, भारोपीय भाषा परिवार। तो जो संस्कृत भाषा है वो आपके भारोपीय भाषा परिवार की है। इसके अलावा भारत की कई भाषाएं जैसे कि असमिया हो गई, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे कि आपकी फारसी हो गई, और यूरोप की भाषाएं हो गई जैसे कि अंग्रेजी,
जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि सब क्या है, वो आपके इसी परिवार से जुड़ी हुई है। किस परिवार से? आपके भारोपीय परिवार से। तो याद रखना, हिंदी किस में आती है? आपकी भारोपीय भाषा परिवार में आती है, ठीक है। असमिया किस में आती है? गुजराती किस में आती है? आपकी भारोपीय भाषा परिवार में आती है, ठीक है। अब इन्हें भाषा परिवार क्यों बोला गया है? क्योंकि आरंभ में इनके जो काफी शब्द है ना, वो एक दूसरे से मिलते जुलते थे, एक जैसे थे। जैसे कि आप अगर माता की बात करते हैं, माता मतलब माँ, तो माँ के बारे में अगर हम बात करें तो संस्कृत में आप क्या बोलोगे? मातृ कहोगे, माता कहोगे। हिंदी में क्या कहोगे? आप माँ कहोगे। अंग्रेजी में आप क्या बोलोगे? आप मदर बोलोगे। तो क्या है, आपके वर्ड अलग अलग है, इनका मतलब तो एक ही है ना, तो इसलिए इन्हें भाषा परिवार कहा गया, क्योंकि आरंभ में जो इनके काफी शब्द थे वो एक दूसरे से मिलते जुलते थे इस वजह से, ठीक है। तो आपकी संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, ये सब किस में आती है? आपकी भारोपीय भाषा परिवार के अंदर। आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर हम पूर्वोत्तर प्रदेशों के बारे में बात करें, अब पूर्वोत्तर का मतलब क्या हो गया? पूर्व प्लस में उत्तर। अगर आप पूर्वोत्तर को तोड़ते तो क्या होगा? पूर्व और प्लस में उत्तर। अगर आप इंडिया के मैप की बात करते हैं तो ये आपका इधर क्या होता है? उत्तर होता है, और इधर आपका पूर्व होता है, ऐसे होता है ना। तो इस एरिया के अंदर, भारत के मैप के अंदर जब आप देखोगे तो इस वाले एरिया के अंदर जो भी भाषाएं बोली जाती हैं वो आपके तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं होती हैं। और आपको पता भी है, जब आप उत्तर में देखते हो तो ऊपर की साइड क्या होता है? यहाँ पे आपका आसपास तिब्बत होता है और म्यांमार आपका इस साइड होता ही है। तो तिब्बत और बर्मा, जैसे म्यांमार को क्या बोलते थे पहले? बर्मा बोलते थे ना। तो पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की जो भाषाएं हैं वो आपकी बोली जाती हैं। इसी तरह हम द्रविड़ परिवार की भाषाओं के बारे में बात करें तो आपकी तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई, ये सब क्या है? ये आपके द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, ठीक है। द्रविड़ जो भाषा परिवार है, इनकी दक्षिण का परिवार, उसकी भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। अगर हम आगे बात करें झारखंड में मध्य भारत की, तो झारखंड और मध्य भारत कहां पर पड़ता है? इनके मध्य प्रदेश हो गया, जैसे एकदम बीच में पड़ते हैं ना। तो झारखंड में मध्य भारत के अंदर कौन सी? आपकी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की जो भाषाएं हैं वो आपकी बोली जाती है। ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं। आपसे पूछ सकता है कि मध्य भारत में कौन से भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाएंगी? ऑस्ट्रो एशियाटिक। झारखंड में कौन सी भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक। तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ये कहां पे बोली जाती हैं? ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं हो गई। जैसे तमिल है तमिलनाडु के अंदर हो गई, तेलुगु तेलंगाना में हो गई, कन्नड़ कहां पे है? कर्नाटक के अंदर, मलयालम आपकी केरल में बोली जाती है। तो इस तरीके से जितनी भी ये चीजें हैं ये आपको अच्छे से इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में भी हैं। यानी ऋग्वेद के कुछ सूक्त का मतलब कुछ प्रार्थनाएं, कुछ रची गई चीजें हैं वो आपकी वार्तालाप, यानी कि एक तरह से बात करते हुए दिखाया गया है। जैसे कि इसमें एक प्रसिद्ध क्या है, विश्वामित्र, जो ऋषि थे विश्वामित्र, और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों, कौन कौन सी? व्यास और सतलुज के बीच में एक वार्ता है। वार्ता मतलब बातचीत है, किसके बीच में? विश्वामित्र, व्यास और सतलुज नदी के बीच में, याद रखना है आपको, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, ऋग्वेद की एक पांडुलिपि है, मैन्युस्क्रिप्ट का जो पन्ना है वो बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा हुआ है। ये कहां पे पाया गया है? आपके कश्मीर के अंदर। आपको अच्छे से याद रखना है, ऋग्वेद की एक पांडुलिपि, पांडुलिपि यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट का जो एक पन्ना है वो बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा हुआ पाया गया है। कहां पे? कश्मीर के अंदर। और लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। जो पन्ना व्रत वृक्ष की छाल पर लिखा हुआ में पाया गया है कश्मीर के अंदर, तो लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका ही प्रयोग किया गया था, यह भी आप अच्छे से याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, इसी मैन्युस्क्रिप्ट को देखकर अंग्रेजी अनुवाद आपका तैयार किया गया था। और जो ये अंग्रेजी अनुवाद है ना, यह अनुवाद, यह पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में आपकी सुरक्षित रखी गई। यानी कि कौन सा अनुवाद? अंग्रेजी अनुवाद है ना, वो रखा गया है कहां पे? पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद में व्यास व सतलुज नदियों के साथ साथ अन्य नदियों जैसे कि सरस्वती, सिंधु व उसकी सहायक नदियों का भी हमें उल्लेख मिलता है। अभी हमने बात की थी ना ऊपर कि आपके विश्वामित्र और व्यास और सतलुज नदियां हैं, इनके बीच में तो पूरी वार्तालाप है, आपस में ये बातचीत कर रही हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ सरस्वती नदी है, सिंधु नदी है, और भी जो भी सहायक नदियां हैं उनका भी उल्लेख मिलता है। और आपके एनसीईआरटी के अनुसार गिवन है कि गंगा व यमुना, आपको पता ना हिमालय से निकलते गंगा व यमुना, गंगा व यमुना का जो उल्लेख है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही हुआ है, ठीक है। जो आपकी कॉम्पिटेटिव बुक्स में उसमें काफी बार लिख रखा होगा, लेकिन हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो गंगा व यमुना का जो उल्लेख है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही बताया गया है, और यही आपको याद रखना है, ठीक है। और उस समय गायों व घोड़ों का
बहुत महत्व होता था, इसलिए नदियों की जो तुलना है वो घोड़ों व गायों के साथ की गई है। और जब आप विश्वामित्र की जब नदियों के साथ कन्वर्सेशन होती है ना, तो वो इसी तरीके से बताते भी हैं कि जो नदियां हैं वो ऊपर से आती हैं, नीचे घोड़ों की तरह दौड़ती हुई आती हैं, इस तरह की उन्होंने बातें की हैं वार्तालाप के अंदर। तो जो नदियां हैं उनकी तुलना किससे की है? घोड़ों व गायों के साथ। क्यों? क्योंकि उस समय में गायों व घोड़ों का बहुत ज्यादा महत्व होता था, उनका सम्मान किया जाता था, ठीक है, उनकी वैल्यू थी, कहने का मतलब ये है, ठीक है, उनको पूजते थे लोग। तो इस वजह से जो नदियों की तुलना है वह घोड़ों व गायों के साथ आपकी की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मवेशी, घोड़े व रथ। तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों के बारे में और घोड़ों के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, और घोड़ों का जो काम होता था क्या होता था? लड़ाई में रथ को खींचने के लिए। ठीक है, घोड़ों का काम क्या होता था? लड़ाई में रथ को खींचने के लिए क्या होता था? घोड़ों का यूज किया जाता था। ऋग्वेद में मवेशियों के लिए प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, बच्चों के लिए खासकर पुत्र प्राप्त करने के लिए, और घोड़ों के लिए भी आपको अनेक प्रार्थनाएं मिल जाएंगी। ठीक है, उस समय में जो लड़ाइयां होती थी वो किस लिए होती थी? तो लड़ाइयां होने का मेन रीजन क्या थे? मवेशियों के लिए वो लड़ाई करते थे, जमीन के लिए लड़ाई होती थी, पानी के स्रोतों के लिए लड़ाई होती थी, लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ाई होती थी। तो ये सब रीजन थे जो उस समय में लड़ाई का कारण था। ठीक है ना, लोगों को बंदी बना लिया एक दूसरे से बदला लेने के लिए, जमीन के लिए करेंगे, पानी के स्रोतों के लिए लड़ाई करेंगे, मवेशियों के लिए लड़ाई करेंगे, जैसे गाय और घोड़ों के बारे में हमने बात की। तो ये सब कारण थे उस समय लड़ाई के। आगे देखते हैं, जो युद्ध होते थे, जब कोई राजा है या कोई व्यक्ति है जब युद्ध में जीत कर आता था, तो युद्धों में जीता गया जो धन है ना, वो सरदार, पुरोहित व आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयोग किया जाता था, और यज्ञ में घी, अनाज और जानवरों की आहुति दी जाती थी जो देवी देवताओं को। ठीक है, यानी कि देवी देवताओं को यज्ञ में घी की आहुति आज भी देते हैं, अनाज, जानवरों की आहुति, जानवरों की आहुति तो अब नहीं देते हैं, बंद हो चुकी है आपकी, लेकिन जैसे घी का तो यूज आज भी करते हैं ना, लेकिन उस समय में घी का यूज भी करते थे, अनाज भी, और जानवरों की आहुति दी जाती थी देवी देवताओं को। ठीक है, याद रखेंगे आप। उस समय में कोई भी स्थायी सेना नहीं होती थी, अधिकांश जो पुरुष है वो युद्ध में भाग लेते थे, यानी अगर मान लो कहीं पे युद्ध चल रहा है तो गांव में घर घर से जो पुरुष होते थे वो निकल के आते थे युद्ध करने के लिए। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी कि कोई राजा की स्थायी सेना है वो हमेशा युद्ध के लिए प्रशिक्षण लेंगे या फिर तैयार रहेंगे, ऐसा नहीं होता था। कोई स्थायी सेना थी ही नहीं, अधिकांश जो पुरुष है वो युद्ध में भाग लेते थे। उस समय में लोगों का जो वर्गीकरण है वो काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या फिर सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर आपका किया जाता था, यानी कि लोगों को पहचानते थे उनके काम के आधार पर कि ये क्या है, ये भाई भड़ई है, ये क्या है, ये भाई सुनार है, ये क्या है, ये भाई लोहार है। तो कैसे? उनके काम के द्वारा, उनकी भाषा के द्वारा, कि इस क्षेत्र में इस टाइप के लोग रहते हैं, उनकी भाषा ये है, उनके परिवार या समुदाय से उनकी पहचान होती थी, उनके निवास स्थान से, कि हम बोलते ना आज भी बोल देते हैं कि भाई ये तो पूर्वोत्तर से आया है, पूर्वोत्तर यानी कि पूर्व उत्तर में रहने वाले जो स्टेट है वहां से आया है ये, तो उसके निवास स्थान पर क्या हो गया, उसका वर्गीकरण हो गया, या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर करते थे उस समय लोगों का वर्गीकरण। लेकिन आपको जो मेनली याद रखना है क्या, कि जो पुरोहित है, पुरोहित यानी कि ब्राह्मण जो यज्ञ करवाते थे, और साथ में जो राजा है, पुरोहित व राजा, इन दोनों का स्पेशली याद रखोगे, इन दोनों का जो वर्गीकरण है वो काम के आधार पर होता था, याद रखेंगे आप। ठीक है, पुरोहित यानी कि ब्राह्मण और राजा का जो वर्गीकरण है वो काम के आधार पर किया जाता था। ठीक है, याद रखना आप। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का यूज होते थे, यानी कि दो शब्द का यूज करते थे जनता या पूरे समुदाय के लिए। कौन से? एक तो जन और एक आपका विश। और विश से क्या निकला है? आपका वैसे शब्द निकला है। क्या निकला है? आपका वैसे, जन या विश बोलते थे, तो विश से ही निकला है आपका वैसे शब्द। जैसे हम बोलते हैं ना ब्राह्मण हो गया, उसके बाद आपका क्षत्रिय हो गए, ठीक है, वैसे हो गए, शूद्र हो गए, तो जो वैसे जो निकला ना वो विश से निकला है, जन से निकला है, याद रखना आपको। ठीक है, इसलिए ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं हमें, जैसे पुरुजन या विष, यानी कि पुरुजन या पुरु विष बोल दो आप, भर्तजन या विष, यदुजन या विष, तो ये क्या होते हैं? ये आपके इस तरीके के जो नाम लिए जाते थे जनता या पूरे समुदाय के लिए, पूरी एक जाति के लिए। ठीक है, याद रखेंगे आप। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी वे कभी कभी खुद को आर्य भी कहते थे, तथा अपने विरोधियों को क्या बोलते थे? दास या दस्यु। पर नॉर्मल सी बात है, हर व्यक्ति अपने आप को क्या बताएगा? अच्छा ही तो बताएगा ना। तो जो इन प्रार्थनाओं की रचना करते थे वो अपने बारे में उसके अंदर बुराई क्यों करेंगे? वो अपने आप को अच्छा बताएंगे, तो वो अपने आप को खुद को आर्य बोलते थे, तथा जो अपने विरोधी होते थे उनको दास या दस्यु बोलते, दास मतलब गुलाम, ठीक है, उनको दास या दस्यु कहते थे। ठीक है, याद रखेंगे आप। दास या दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी तरह की भाषाएं बोलते थे, उनके समुदाय के अंदर वो आते ही नहीं थे, उनकी जो लैंग्वेज है वो अलग होती थी, दूसरी भाषा होती थी, तो
तो इसलिए उन्हें दास या दस्यु बोलते थे और उनको यज्ञ करने का अधिकार भी नहीं था, वो यज्ञ नहीं करते थे। और बाद में धीरे धीरे समय के साथ दास का मतलब क्या हो गया, आपका गुलाम हो गया, मैंने बताया ना आपको स्टार्टिंग के अंदर। और दास वे स्त्री या पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, उन्हें उनके मालिक की जायदाद मानते थे, जो भी मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना ही पड़ता था। किसको, दास को, याद रखेंगे, युद्ध में ये बंदी बनाए जाते, गुलाम बनाए जाते थे, याद रखेंगे। अपने मालिक के लिए क्या होते थे, एक तरह से जायदाद होते थे, एक वस्तु की तरह यूज करते थे मालिक इनको। कहने का मतलब ये है जो मालिक ने बोल दिया वो सब उन्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपके महापाषाण कब्रें, महापाषाण, महापाषाण कब्रें हैं ये आपकी। महा का मतलब होता है बड़ा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पाषाण। तो यानी कि बड़े पत्थरों से जो बने हुई कब्रें होती है ना, वो आपकी महापाषाण होती थी। अभी आप बीच में देख रहे हो और ये बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं, और उसके बाद साइड में देखो, साइड में भी आपके पत्थर लगे हुए हैं। तो ये जो कब्रें बनाई जाती थी ना, ये एक पैटर्न में होती थी, ऐसे नहीं कि ऐसे ही बना दी। आप उसके बाद देखिए और बड़े पैटर्न लगा रखे, पत्थर लगा रखे और बड़े पाषाण लगा रखे हैं। तो एक पैटर्न में ये कब्रें आपकी बनाई जाती थी, इनको आप महापाषाण बोलते थे, महापाषाण की बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई कब्रें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखो ये शिलाखंड, महापाषाण के महा यानी बड़ा और पाषाण के पत्थर, ये जो शिलाखंड है वो महापाषाण के नाम से जाने जाते थे। और ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से, करीने मतलब एक पैटर्न में, यानी एक तरीके से, करीना मतलब एक तरीके से, एक पैटर्न में, एक सिस्टम से, आप सिस्टम बोल सकते हो, यानी कि अच्छे तरीके से एक पैटर्न के अंदर एक तरीके से इनको लगाया जाता था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि महापाषाण कब्रें बनाने की शुरुआत कब हुई थी, तो लगभग 3000 साल पहले महापाषाण कब्रें बनाने की शुरुआत हुई थी। कब, लगभग 3000 साल पहले महापाषाण कब्रें बनाने की शुरुआत हुई थी। और यह प्रथा प्रचलित कहाँ थी, आपके दक्कन के दक्षिण के अंदर, दक्षिणी भारत के अंदर, उत्तर पूर्वी भारत में, कश्मीर में, यहां पे ये प्रथा प्रचलित थी। कहां पे, दक्कन में, दक्षिणी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, और कहां पे, कश्मीर में। जो ये प्रथा है, ये प्रथा आपकी प्रचलित थी, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, देखिए दक्कन का मतलब आप अच्छे से समझना, जैसे दक्षिण भारतीय होता है एक तरह से, दक्कन का मतलब, दक्कन का मतलब दक्षिण ही होता है। जैसे आपकी यहाँ पे बीच में सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं, अगर आप देखोगे तो सतपुड़ा की पहाड़ियां ना, जहां से आपकी जो नर्मदा नदी है वो खंभात की खाड़ी में गिरती है, तो सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं वहां से लेकर लगभग जो नीलगिरी पर्वत है ना, वहां तक का जो एरिया है वो आपका दक्कन के अंदर आता है, दक्कन के पठार जो जिसे हम बोलते हैं। तो ये प्रथा जो है वो वहां पे आपके दक्कन में, दक्षिणी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में, इन सभी जगह पर ये प्रथा जो है आपकी प्रचलित थी। ठीक है, और इस तरह के महापाषाण को क्या बोलते थे, ताबूत सवाधान, यानी कि शिष्ट, तो शिष्ट वर्ड आप याद रखेंगे। इस तरह के जो महापाषाण है, बड़ी बड़ी जो कब्रें हैं, बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई कब्रें, इनको ताबूत सवाधान या फिर शिष्ट कहा जाता है। ठीक है, सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले काले मिट्टी के बर्तन यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। आपको याद रखना है, जिन्हें किस नाम से, काले काले मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से इनको जाना जाता है, याद रखेंगे आप आसाम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन महापाषाण कब्रों के साथ लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान, पत्थर और सोने के गहने आदि हमें मिले हैं। इन महापाषाण कब्रों के साथ, इन बड़ी बड़ी जो पत्थर की कब्रें बनाई गई हैं, इनके साथ कौन कौन सी चीजें, लोहे के औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, घोड़ों के कंकाल मिले हैं, सामान मिला है, पत्थर और सोने के गहने आदि सब मिले हमें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भ्रमगिरी, जो कि काफी पड़ता है आपका कर्नाटक में, भ्रमगिरी कर्नाटक से एक व्यक्ति की कब्र मिली है जिसमें 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। अब 33-33 सोने के मनके एक व्यक्ति की कब्र में मिल रहे हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि वो आदमी कितना ज्यादा अमीर होगा उस समय में, है ना, 33 सोने के मनके, सोच के देखिए एक बार आप। तो भ्रमगिरी कर्नाटक से एक व्यक्ति की कब्र मिली है जिसमें 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, जो उसके अमीर होने को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, कभी कभी महापाषाण से एक से अधिक कंकाल भी मिले हैं, तो जो क्या दर्शाते हैं कि एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। तो ये क्या बताता है, ये दर्शाता है कि एक से अधिक कंकालों का मिलना, जो क्या बताता है कि एक ही परिवार के लोग हैं और एक ही स्थान पर दफनाए गए हैं, लेकिन समय आपका अलग अलग था। मान लो कोई व्यक्ति आज, किसी के निधन हुआ है तो उसको आज दफना दिया, अब मान लो कई सालों बाद दूसरा व्यक्ति दफन हुआ तो इसी जगह पर उस दूसरे व्यक्ति को दफना देंगे,
लेकिन जो कंकाल है वो तो आपके लंबे समय तक मिलते हैं ना, तो जो कंकाल है वो आपके एक से ज्यादा मिले यहां से। तो क्या पता चला? यही पता चला कि एक ही परिवार के लोग होंगे और एक ही स्थान पर दफनाए थे, लेकिन हो सकता है अलग अलग समय पर। किसी की मृत्यु आज हुई तो आज दफना दिया, उसके बाद 25-30 साल बाद किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उसको दफना दिया। ठीक है, याद रखेंगे आप। अब बात करेंगे इनाम गांव की। कहां पे पड़ता है? आपके पुणे के अंदर पड़ता है। तो जो इनाम गांव है यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप। तो इनाम गांव पुणे के अंदर जो स्थित है यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे पर स्थित है और यहां पर 3600 से 2700 साल पहले यहां पे लोग रहते थे। 3600 से 2700 साल पहले यहां पे लोग रहते थे और यहां वैसक को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। जो भी वैसक व्यक्ति होता था उसको गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उसका जो सिर है उत्तर की तरफ होता था और कई बार इन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। यहां से एक आदमी की कब्र मिली है 5 कमरों वाले मकान के आंगन के अंदर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 5 कमरे वाले मकान के आंगन में जो कब्र मिली है वो कहां से मिली है? इनाम गांव पुणे से। 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था जिसके पैर जो है वो आपके मुड़े हुए थे। ये चीजें आप याद रख सकते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछी जाती है तो वो कहां पे आएगी? इनाम गांव पुणे के अंदर। और 3300 सोने के मनके कहां से मिले थे? ब्रह्मगिरी कर्नाटक से। वो भी याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं। अब पुरातत्वविदों को इनाम गांव से जो साक्ष्य मिले हैं कौन कौन से मिले हैं? जैसे यहां से आपको गेहूं मिला, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर व तिल के बीज, ये सब मिले कहां से? इनाम गांव से। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा हिरण, कृष्ण मृग हो गया, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां, ये सब कहां से मिली हैं? आपको इनाम गांव पुणे से मिली हैं। और यह से ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं, यहां से हमें बेर मिला है, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह के जो रस भरिया है वो एकत्र की जाती थी कहां से? यहां से, इनाम गांव पुणे से। याद रखना आपको। ठीक है, अब बात करेंगे हम चरक के बारे में। तो आपको अच्छे से पता है चरक क्या है? एक वैद्य थे। क्या थे? एक वैद्य थे, एक डॉक्टर थे। तो लगभग 2000 साल पहले प्रसिद्ध वैद्य हुए थे जिनका नाम क्या था? आपका चरक था। और इन्होंने क्या लिखी थी? चरक संहिता लिखी थी। किसके ऊपर? चिकित्सा शास्त्र के ऊपर। यानी कि आपकी जो बीमारियां हैं, जो चिकित्सा की जाती है, जिनकी चिकित्सा शास्त्र पर इन्होंने चरक संहिता लिखी थी। और इनके अनुसार शरीर में हड्डियां कितनी बताई गई? 360 हड्डियां। कितनी हड्डियां बताई गई? 360 हड्डियां बताई गई। हम नॉर्मल कितनी बोलते हैं? 306 बोलते हैं ना, लेकिन इन्होंने 360 हड्डियां बताई। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और जो कार्टिलेज होता है उनको भी शामिल कर लिया था। तो इस वजह से इन्होंने हड्डियों की जो संख्या है वो ज्यादा बताई थी। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ चरक के बारे में इतना ही याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे हम चीन की लेखन कला के बारे में। तो चीन की लेखन कला के सबसे पुराने जो उदाहरण मिलते हैं वो 3500 साल पहले मिलते हैं। कितने साल पहले? 3500 साल पहले मिलते हैं। यहाँ के राजा जानवरों की हड्डियों पर लिखवाते थे, जैसे कि क्या वे युद्ध जीतेंगे। भाई जो राजा होते हैं, हर किसी को डर होता है कि आगे आने वाला जो युद्ध होगा क्या मैं उसको जीत पाऊंगा या मैं हार जाऊंगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना वो इन हड्डियों पर लिखवाते थे। तो यहाँ के जो राजा है वो जानवरों की जो हड्डियां होती थी उन पर लिखवाते थे कि क्या हम युद्ध को जीत पाएंगे, क्या हमारे राज्य में जो फसलें होंगी वो अच्छी होंगी, क्या हमारे जो जो घर में जन्म लेगा बच्चा वो पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी। और इसलिए ये सब चीजें वो हड्डियों पर लिखाते थे और इसलिए इन हड्डियों को क्या बोलते थे? भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था। तो अगर आपसे कोई पूछे भविष्यवाणी करने वाली हड्डियों का संबंध कहां से है, तो आपके चीन के साथ है, याद रखना। ठीक है, और ये सब लिखकर ये जो उनकी जो फरमाइशें होती थी, जो उनके जो एक तरह से सपने बोल लीजिए आप, या उनकी जो शंका जो होती थी, ठीक है, इनको ये हड्डियों पर लिखवाते और इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था और आग की वजह से इनमें दरारें पड़ जाती, क्रैक पड़ जाते थे, जिन्हें देखकर जो भविष्य वक्ता होते हैं वो आपके भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। भविष्य वक्ता मतलब जो भविष्य को बताने वाले, भविष्य वक्ता का मतलब क्या हो गया? भविष्य को बताने वाले, भविष्य को बताने वाले। तो ये जो लोग हैं ये भविष्यवाणी करने की कोशिश किया करते थे। उसके बाद कुछ सन है जो आपको अच्छे से याद रखनी है। हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि अगर कोई पूछे कि वेदों की रचना का प्रारंभ कब हुआ था, लगभग 3500 साल पहले, तो 3500 साल पहले कौन से वेद की? आपके ऋग्वेद की, ऋग्वेद की रचना हुई थी। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत अगर पूछी जाए तो लगभग 3000 साल पहले। महापाषाणों के निर्माण की मतलब जो बड़ी बड़ी कब्रें हैं, जो आपकी बड़ी बड़ी कब्रें हैं ना,
बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई कब्रें, तो इनके निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले। अगर पूछा जाए कि इनाम गांव में कृषकों का निवास कब से, 3600 से 3700 साल पहले, हमने पढ़ा ना 3600 से 3700 साल पहले इनाम गांव में कृषकों का निवास था। अगर हम चरक के बारे में बात करें तो चरक लगभग कब आए थे, 2000 साल पहले आए थे और एक प्रसिद्ध वैद्य थे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर याद रखनी है और बार बार इनको अच्छे से रिवाइज करना है लाइन टू लाइन, एक सिंगल से सिंगल चीज भी आपके स्किप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भैया आपके आज के सेशन में था, जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।